कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जिनको जन्म के साथ दांत होते हैं, उन्हें पहले से ही दांत होते हैं। हर 2000 बेबीज में से एक को ऐसा होता है, मतलब दांत के साथ ही वो जन्म लेते हैं। नंबर दो, जिप कोड तो हम सभी को पता है जो पोस्टल कोड होता है, जैसे दिल्ली का जिप कोड 11001 है, वैसे सभी जगह का अलग अलग जिप कोड होता है। जितना बड़ा सिटी उतने ज्यादा जिप कोड होते हैं। दिल्ली के टोटल 95 जिप कोड है और जयपुर इतना बड़ा सिटी है फिर भी उनके सिर्फ 20 जिप कोड है। यूएस में यंग अमेरिका मिनेसोटा एक छोटा सा टाउनशिप है, वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 705 लोगों की है और वहाँ पे अलग अलग 20 जिप कोड है। नंबर तीन, स्विट्जरलैंड में सुअर को लेकर कानून बनाया है। वहाँ पे सुअर को पालते हैं जैसे हम यहाँ पे भेड़ बकरियों को पालते हैं, वैसे वहाँ पे सुअर को पालते हैं और उनका दूध बेचते हैं। वहाँ सिर्फ एक गिनिया पिग सुअर को रखना गैर कानूनी है। ऐसा इसलिए है कि गिनिया सुअर सामाजिक जानवर है, इसीलिए एक सुअर को नहीं पाल सकते बल्कि ज्यादा सुअर को वहाँ पे पाल सकते हैं। नंबर चार, सेफ्टी पिन का आविष्कार 1849 में अमेरिका के वॉल्टर हंट ने किया था। जब उनके ऊपर $15 मिलियन का कर्ज था तब वो अपने हाथ में तार को लेके घुमा रहे थे और ये सोच रहे थे कि कर्जा कैसे उतारा जाए, और तार को घुमाते घुमाते उन्होंने सेफ्टी पिन बना दिया और सेफ्टी पिन तब से इन्वेंट हो गया और उनका कर्जा भी उतर गया। नंबर पांच, अगर कोई इंसान 200-300 फीट ऊंचाई से गिरता है तो उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वैष्णव बलोविक नाम की महिला ऐसी है जिसने 1972 में 33,333 फीट ऊंचाई से विदाउट पैराशूट गिरी और उनको सिर्फ खोपड़ी में फ्रैक्चर हुए और 16 महीने तक हॉस्पिटल में रही और जिंदा बच के उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया। नंबर 6, जैलूसरम में एक बहुत पुराना चर्च है, चर्च ऑफ द होली सेपुलकर। इस चर्च में 1757 में एक मिस्त्री अपना कुछ काम करके उनकी लकड़ी की सीढ़ी गलती से वहां पे छोड़ के चला गया। वो इतने सालों के बाद भी वहां से निकाला नहीं गया। फिर बाद में पता चला कि ये मिस्त्री की सीढ़ी है, तो अब उसे निकाल नहीं पा रहे क्योंकि अब निकालने के लिए 6 अलग अलग ईसाई नेताओं के समझौते के बिना वहां से निकालने की अनुमति किसी को भी नहीं है। नंबर 7, माइकल जैक्सन हमेशा अपने हाथ में शाइनी ग्लव्स पहनते थे क्योंकि उनकी स्किन पर धब्बे थे। वो अपनी स्किन प्रॉब्लम को छुपाने के लिए पहनते थे और उनके ग्लव्स को $3,50,000 में बेचा गया। नंबर 8, मानव शरीर की खोपड़ी हर 10 साल पे अपने आप रिपेयर होकर रिन्यू हो जाती है, मतलब हर 10 साल पे इंसानी खोपड़ी की पूरी हड्डियां बदल जाती है और उनका आकार भी बदल जाता है। नंबर 9, यूरोप और यूएसए में हर 29 मई को एक गजब का फेस्टिवल होता है। 29 मई को वहाँ के लोग अपना तकिया उनके फ्रिज के ऊपर रखते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि 29 मई को अगर फ्रिज के ऊपर तकिया रखा जाए तो पूरे साल सुख और समृद्धि मिलती रहती है। नंबर 10, चाइना में जेटली नाम का लड़का था जिसने 19 साल की उम्र में उसने चाइनीज नेशनल वुशु में अपना टैलेंट दिखाया। वुशु जो कि एक मार्शल आर्ट है, तो वहां चाइना के राष्ट्रपति भी मौजूद थे, तो इस लड़के ने चाइना के बड़े बड़े मार्शल आर्ट से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो चाइना के राष्ट्रपति निक्सन ने इसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने को कहा, तो इसने राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड बनने से मना कर दिया। Thank you for watching this video. Please like and subscribe.